क्योंकि उनके जनाजे को सजदा करने वाले को कुरान का नाम है दीन पे बहस मत करे। ये लफ्ज नहीं समझ आई, किसी सियाने बंदे तो लिखवाई दे। ते कड़ी और सूत्र को बिद्दत कहने वाले तुझ पे लानत, ए लानत करनी है जो थे करा लेनी है जो मेरे लिए लिख के खलन भी उन्हें लानत कर जा। मैनू पूछो भी कड़ी कितने लिखी है, सूत्र कितने लिखे, ये पूछना जे। जनाजे वाला जुमला क्लीयर करना, जो कड़ी वाला मैं दस देना जनाजे की मैंने समझ ही नहीं आई, तो सूत्र की भी थोड़े की समझ नहीं आई। लानत मैं नहीं करता, कुरान चो दस देना सूरह दहरे 29 पारे चौथी आयत। हा हा इत्थे कड़ी लिखी हुई है, इत्थे कड़ी लिखी हुई है। कड़ी वाली गल पिछला सवाल सही होंदा, मैनू समझ आउंदी, मुड़ मैं जवाब देंदा। हुण मैनू लफ्ज़ां दी नहीं पई समझ आउंदी है कि इहदी समझ आ गई, इहदा मैं दस देना कड़ी कित्थे लिखी है। कुरान तो मिंबर ते आई तां नहीं आंदा वी पढ़ना है थोड़ा जिहा, कुरान खुंजन खुंजन लाणा आला टाइम ही जिहड़ा ना इह। हुण घर जाके मौलवी कोल कुरान खोलिया जे 29 पारा है सूरह दहरे, इहदे विच सतवीं तों लै के बल्कि चौथी तों लै के नामी आयत ताईं इहो मुकदमा जंतियां दा लिखिया है। अल्लाह के अलैहिम सियाब सुंदसन खुजर व इस्तबरक व हुल्लू असाविरा मिन फिस्सत व सकाम रब्बहुम शराबन तहूरा। जन्नती लोगों को सवाल तू आंदा, हुण तू मेरे लिए वेखना। जन्नती लोगों को सब सुंदस का लिबास और हाथ में एक चांदी का कंगन, कंगन लफ्ज है हां, चांदी दे कंगन नु आंदे ने पंजाबी च कड़ी। चांदी दी कड़ी उन पवावां दे जेड़ा जन्नत च वाड़ा आ। हुण पुछो भी ओ तो जन्नत च लभनी है तो तुसी इत्थे फाई बांधे हो, इत्थे तुहानू की बीमारी बनी है, जन्नत च कड़ी लभनी है। अल्लाह कहे मैं जन्नत च अंगूर देसा, सेब देसा, अंब देसा। अल्लाह जन्नत ही देने ने, तू परातां दी परातां खत्म च रगड़ी जाना है। हा हा अल्लाह तो उत्थे खवाने है ना, इत्थे सेब पछड़ दियो, उत्थे जिहड़ी जसलाणी रेहड़ी खड़ी हुंदे ते वी शाम नूं अंगूर मुक्क जांदे ने, उत्थे सेब भी तू जसलाणी वाले चौक च शेर अंगूरां दा रगड़ जावे, इह क्यों पे रगड़ दियो, अल्लाह तो जन्नत ही देने है। नहीं बंदे आंदे ने नहीं नहीं, जिहड़े जन्नत लभणे नूं इत्थे वी थोड़े जिहे खावीए, मूंह नूं सहके दा पता लगे जसलाणी वाले अंगूर किवें ने, जन्नत वाले किवें ने। इह जिवें तू जायका लभना है ना, इवें असीं हथ च कड़ी पा के दसने आ असीं उहदी रईयत आ जिहड़ा जन्नत दा सरदार है। सुभान अल्लाह। ए कड़ी शाबाश 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 हैदरी, सुभान अल्लाह। बाकी आ धागे दी गल रह गई, सूत्र जिहड़े बंदे ने कोई सेवन तो सूत्र ले आउंदा है, कोई दाता साहब तो ले आउंदा है, इत्थे तरंडा टुरिया आउंदा जिहड़ा असां वेख्या है दाम रुपयां तो लै के ते इत्थे डफर ताईं। जिन्ने आवारा चोर ने ना उहनां किसे हथ च मोबाइल ते गाने लाए आ, किसे किधे भजांदे हो डक डक, मैं गड्डी पुछदा आ जी दाता साहब भजांदे आ। इह दाता साहब तू रस्सियां बन के वी जावें ते कुझ नहीं हुंदा, मोहब्बत हुसैन च कड़ी पावीए। हा हा बार इत्थे लगे जांदे असीं तां भवन ननकाणे वेंदे आया तोड़ते। अच्छा अजे वी लहां तुसां वेख लैने ठीक हो गया ए। ए बाकी वाला जिहड़ा सवाल है ना, इहनूं किदां सही लिख के हुण मोमतन वीडियो बनाउण दी की लोड़ है, हुण तां मैं हवाला इहनूं सही लिखिया जे किसे होर मजलिस च दे आ जे, थोड़े जिहे पिछां आ जाओ। हदीस किस्सा मैं मुकम्मल करनी आई इन्ना टाइम ना जिन्नियां मैं गल्लां कर गया, 21 मिनट हो गए जी 11 बज के। ए भाई तेरे नाल जिहड़ी गल कर रहा नबी तारफ कराया अगू मैं अगले दे जुमला आख्या उत्थे काड़े च इक पिंड काकू बख्शो एले सुनन दा खत्म आई रामा दा मुकद्दर उहनां दे हरे ओ साथी मैनूं बैठे। हुण जिस मैं गया ते कईआं दे मूंह माड़े हो गए वी शिया मन वी साथ लिया जी, इह की बणिया साडे कोल कोई ना आया। हुण ओह इहो गल मैं कीती वी अल्लाह कहे जे पंज तन पाक ना हुंदे, ओह विच्चों इक मलवाणा उठिया उस आख्या पंज तन पाक नहीं पंज तिन पाक। मैं कहा ठीक है पंज ते तिन किन्ने हुंदे ने, अठ मुड़ सिद्धे सामे आखो अठ तन पाक ने, इह की बीमारी पाई खड़े हो तू पंज ते तिन पाक तीन नहीं तन।
रखिए इत दरी ते बवो आओ उन दा चेलम करावीए जिंदा चेलम करना चेलम वाले दिहाड़े भेणा बाजार च खलिया होइया ही मैं कुर्बान होवा एगल समझो कबला ए हुण असी चेलम क्यों कराउने कोई मुसलमान सन शिया नु पुछे क्यों कराउंदे हो बे चेलम असी चेलम ए जिन सुनियो ए मेरे हाथ जुड़े ने गल मैं इक ही करनी है असी चेलम मलक साहब इस गल्ले करवाने आ चेलम कराउंदा पुत्तर फूड़ी पौंदा चेलम चालिया दे आबाद नु चालिया दे उनु चेलम आखीदा ए फूड़ी पौंदा ए चेलम ते पुत्तर ते बंदियां तो फातिया पुत्तर झलदा ए परदे च भैणा झलदियां ने असी चेलम इस गल्ले पे कराउने आ जिस चेलम कराउणा ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲ ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੋ ਕਈ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇਰੇ ਹਾਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚ ਇੰਜ ਬੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਤਾ ਕਲਮੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਸੋਚੀ ਵੀ 18 ਸਫਰੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸੁਖਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਬੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭੈਣ ਪੁੱਛਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਐਮ ਸਜਾਦ ਅੱਜ 40 ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਣੀ ਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਣ ਦੇ ਮਰਹਬਾ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਚੇਲਮੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆਈ ਇੱਕ 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 ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧਿਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਿਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੁੱਪ ਚ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜਰਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਲਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ 18 ਸਫਰ ਹੈ ਅੱਜ ਨੇੜੇ ਆਈ ਖਲੀਏ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਚਿਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂ ਔਖਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹੱਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਉਹ ਜੇਲ ਲੱਭੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਵੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਧ ਨਾਲ ਬਾਂਧੀ ਆਈ ਨਾ ਜੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਵੀਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਆਏ ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾ ਮਰਹਬਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਓ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੇਲਮ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਾ ਦਿਕ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪਲੀਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਸਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਬਚ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਏ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਸਰ ਲੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲੋਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਸਤੇ ਦੀ ਤਵਾਲਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ਾਮ ਮਹੱਲਾ ਦਾਰੁਲ ਹਿਜਾਰਾ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਏਡਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮ ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਗਈ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰ ਮਾਰ
मरहबा मरहबा मैं सलाम करा तीजो भाई खलिया करके सवेरे सवेरे चेलम दी मजलिस च हसल धियां दा दुख ना वेखो नबी दे पुत्र दे चेलम ते कूका मारन वाला एक गल दी वजात भाई सिर्फ तेरे वास्ते पे करना जनाबे अब्बास दा सर जदों आया है ना ते औरतां पुछया इंदी मां ते आई है वतन तो उसले बीबी हंज वेख्या दी ए सजाद मैनू दस नहीं है ना औरतां नु समझा अब्बास दा चेहरा जगह जगह तू जख्मी है रो के आ दिन बाजार च मेरे चाचे नु पत्थर मरहबा मरहबा मुगी मजलिस च तो मैं कुछ नहीं आखना हो सकता है दो चार बंदे ना होंदे ते मैं ते 10 मिनट पहले इस तो मजलिस मुका देवा शहीदां दे सर ए वी विच मसला है कई वारी बंदे बंदियां नु पुछदे ने ओ शहीदां दे सर किदे गए आए किरे शाम ए ए विच ए वी हल हो गई नबी दी धी शहदा दे सर लेके आईए फिरा दी जागीर दे बन्ने ते लथीए मैं कभी नहीं जी आख्या बे जाबर राह डक्या ते कौन ने ए मेरे मिंबर ते हाथ ने जाबर पंज इमामा दा नायबे पन्या एटी वड्डी मारफत वाला जाबर आम बंदा है नहीं नहीं ए गल इत्थे मुकदी है जनाब जाबर आखे मौला सजाद नु असल जुमला अमर साहब मेरा हाथ न पो मैनू करबला दी हद तो बाहर बहाओ इना भैणा फिरावां दी कबर ते वैण करने ने मतलब मेरे कन्ना ते आवाज आवे कबर ते डिग पए ने फुफिया दिए वे सजाद हौसला कर वे सजाद मैनू दस बाबे दी कबर किथे चाचे दी कबर दे उत्ते ठहि के इक ही गल पकर दे चाचा तुसा कित्थे सलाह कीती असा सारे करबला राणा है ते कल्ले सज्जाद शाम जाना है हाय दी आवाज तुहाडी एडी सोहणी बुलंद हो गई है तड़पे जनाब सज्जाद आदनो चाचा भाई कटा के सोना सौखा है फुफिया दे नाल मैं हर बाजार च कतल होंदा रिया ओ मैं हर मरहबा मरहबा कुरला करोण आला ओ 18 नु चेलम ते आके ढाह मार के रोण आला ए मैं हाथ जोड़ के सलाम इथे इथे सलाम करन लगा नबी दी धी आई है फिरा दी कबर ते इंज दोवे ना जख्मी पाई नवीर दी कबर ते रखिया ने आदी एक कर कबर चो बाहर आवे ना हुसैन वीर ए मेरिया बाई वेख मेरिया बाई भी जख्मी न मेरी कंड भी जख्मी है इथे मरहबा जी अबे वा सिर ते हाथ मारन आला जी ओ दो दो हाथ सिर ते मार के तड़पन आला इथे बीबी एक गल कीती है ते हुण मैं चिलम ना हुंदा ते मैं ते साले कदी ए लफ्ज़ पढ़े ही नहीं बीबी आख्या हुसैन पुत्रां दीआं कबरां नाल बणाईआं नहीं मैं पुछनी आ इथे किदे बहण उजड़ी दी कबर दी थां रखी हो रो के आदीए ते रो के आदन तेरी कबर मेरे कातल दे शहर च जिथे मास मरहबा 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 बनी असद बंदियां नूं पता लग गया नबी दी धी आ गई है मर्द आके जनाब सज्जाद दे गल च बाहीं पाईआं मैं जिहड़ियां मस्तूर आईआं सैन पाक दे कोल तड़प तड़प के आदियां ने असीं शर्मसार आए इत्थ कड़ियां पा के गई है मस्तूरां बीबी पाक दे गल अज चेल में समझो ना 18 दी चेल में अगला जुमला मैं आखा जिन्ने हाइप कर दियो मुसलमाना ओ जड़ियां निखियां निखियां बच्चियां आईयां ओ भजदियां आईयां एक महमल दा कपड़ा हटा के आदियां नो कोई नहीं आई जनाब सजाद धन किन्नू पईयां लभदियां ओ आदियां ने सानू ना त नहीं आउंदा उन पईयां लभदियां आईयां जेड़े प्यो दे कत्ल च खंजर च हाथ पौंदी आई आदियां इन मार इनू अकबर दी मां